प्रिय विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट सेकंड की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आज पुनः आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने एल्कोहल्स के बारे में पढ़ा था, काफ़ी डिटेल्स में जो मैंने आपको बताया था। आज हम यूनिट थर्ड ईथर एंड इपॉक्साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम जो है ईथर का नॉमनक्लेचर और उनके बनाने की जो है विधियाँ, यानी नामकरण और उनके बनाने की विधियाँ पढ़ेंगे। ये हम पार्ट फर्स्ट में पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर बीके अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर लोहिया कॉलेज चुरू, पुनः आपका स्वागत करता हूँ जो है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, आज हम जो है ईथर के बारे में पढ़ेंगे जो है। तो ईथर क्या है? जल का अणु हम जानते ही हैं। जल के अणु के दोनों तरफ जो है हाइड्रोजन और बीच में जो है ऑक्सीजन होता है जो है। तो यदि हम जल के अणु में से दोनों हाइड्रोजन को एल्काइल समूह के द्वारा रिप्लेस कर दें तो वह ईथर कहलाता है जो है। इस ऑक्सीजन को जो कि हमारे ईथर में उपस्थित है, ईथरीय ऑक्सीजन कहते हैं। अतः हम ईथर को एल्किल ऑक्साइड भी कह सकते हैं। दूसरी ओर एल्कोहल के दोनों अणुओं में से जब एक जल का अणु निकल जाता है तो ईथर प्राप्त होता है जो है। इस ईथर को हम एल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कह सकते हैं जो है। ईथर के जो दो एल्काइल समूह हैं, उन एल्काइल समूहों की प्रकृति के आधार पर इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले ईथर हैं सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर जो है, जिसमें दोनों तरफ यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान ग्रुप होते हैं, समान एल्काइल ग्रुप होते हैं, चाहे तो वो मिथाइल हों या इथाइल हों या और दूसरे कोई से ग्रुप भी हो सकते हैं जो है। अगर दोनों मिथाइल हैं तो उसको हम कहेंगे डाईमिथाइल ईथर, और दोनों इथाइल हैं तो उसको कहेंगे डाईइथाइल ईथर। तो इस प्रकार के ईथर को जो है हम जो है सममित, सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर कहते हैं। दूसरा है अनसिमेट्रिकल या मिक्स ईथर, यानी जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल समूह हैं वो दोनों भिन्न भिन्न हों, यानी एक तरफ मिथाइल दूसरी तरफ इथाइल। तो ऐसे ईथर जो है मिश्रित ईथर जो है या अनसिमेट्रिकल ईथर कहलाते हैं जो है। इनको अल्फाबेटिक क्रम में जो है, अल्फाबेटिक की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो है लिखा जाता है, यानी जो ई है वो पहले लिखा जाएगा, एम जो है बाद में लिखा जाएगा, यदि इथाइल और मिथाइल दो ग्रुप हैं तो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये है, एक तरफ मिथाइल समूह है और दूसरी तरफ जो है, एक तरफ मिथाइल समूह है दूसरी तरफ इथाइल समूह है, तो इसको हम जो है एथिल मेथिल ईथर कहेंगे जो है। दूसरी तरफ जो है, दूसरा जो एग्जाम्पल है, एक तरफ मेथिल है और एक तरफ जो है प्रोपिल है, तो पी बाद में आता है तो इसलिए मेथिल प्रोपिल ईथर कहलाएगा जो है। अब इसके नामकरण की जो है आईयूपीएसी पद्धति क्या है? इस पद्धति के अनुसार एल्केन जो होते हैं उसके स्थान पर जो है, जैसे CH4 है, CH4 का जो है एक हाइड्रोजन एक एल्कोक्सी समूह के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो जो ईथर प्राप्त होंगे उन ईथर को हम एल्कोक्सी व्युत्पन्न मानते हैं जो है। तो इस तरीके से इनका नाम क्या हो जाएगा? एल्कोक्सी एल्केन। अब इसमें जो समूह बड़ा होता है उसे हम एल्किल, उसे हम व्युत्पित एल्केन जो है या डेराइव्ड एल्केन जो है मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल CH3OC2H5, जिसमें जिसमें मिथाइल समूह जो है एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ जो है इथाइल समूह है, तो हम इसको इथाइल का डेरिवेटिव यानी इथेन का डेरिवेटिव
मानेंगे, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी इथेन। और इसी प्रकार दूसरी तरफ जब इथाइल है तो उसको हम कहेंगे जो है इथॉक्सी इथेन, और इसका क्या नाम होगा जो है ऊपर वाले का जो है इसका होगा मिथॉक्सी प्रोपेन, है ना, इस वाले का क्या होगा मिथॉक्सी प्रोपेन। अब इसमें हम लेते हैं जो है समावयवता। समावयवता जो है ईथर में दो प्रकार की जो है होती है, दो प्रकार की होती है जो है, पहली क्रियात्मक समावयवता फंक्शनल आइसोमेरिज। ईथर जो है एल्कोहल के साथ क्रियात्मक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अणुसूत्र C2H, अणुसूत्र C2H6O, इसका जो है यदि हम देखें तो इसका एक तो इथेनॉल बन जाता है C2H5OH, यानी दो कार्बन छः हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसी प्रकार इसका जो आइसोमर बनेगा ईथर का, ईथर जो होगा वो होगा जो है डाई मिथाइल ईथर, यानी एक मिथाइल समूह में CH3 एक CH3, यानी छः हाइड्रोजन हो गए और आपके जो है दो कार्बन हो गए। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे क्रियात्मक समूह समावयवता प्रदर्शित करते हैं। दूसरी प्रकार की समावयवता है मेटामेरिंग जो है या मध्यावयवता। इसमें क्या होता है जो अणुसूत्र तो एक ही होता है लेकिन उसी अणुसूत्र के जो बीच का इथ्री ऑक्सीजन है उसके दोनों साइड में जो है जो एल्काइल ग्रुप है वो भिन्न भिन्न होता है जो है। फॉर एग्जाम्पल अणुसूत्र है C4H10O, इसके तीन ईथर जो है संभव हो सकते हैं। एक तो हो जाएगा दोनों तरफ इथाइल समूह है जो है तो उसको कहेंगे हम डाइथाइल ईथर, और दूसरा होगा एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ जो है प्रोपाइल है तो इसको कहेंगे मेथिल एंड प्रोपिल ईथर, और तीसरा जो आइसोमर है जो है एक तरफ मेथिल है दूसरी तरफ जो है आइसोप्रोपाइल ग्रुप है तो मेथिल आइसोप्रोपाइल ईथर। यहाँ पर हमने जो है एम पहले लिखा है, जो आइसोप्रोपाइल का जो है आइसो वर्ड है उसको जो है हम कंसिडर नहीं करते अल्फाबेटिक क्रम में, जो है इसका पी जो है प्रोपिल वर्ड है वो उसको जो है कंसिडर करते हैं, इसलिए जो है इसको आइसोप्रोपिल को बाद में लिखा गया है जो है। अब इनके बनाने की विधियां जो है, एल्कोहल्स कई प्रकार से, ईथर जो है कई प्रकार से बनाए जा सकते हैं जो है। पहला मेथड है जो है एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। जब हम एल्कोहल को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्कोहल का निर्जलीकरण हो जाता है और हमें ईथर प्राप्त होते हैं। ये एल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कोई से भी हो सकते हैं जो है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल हैं वो तो SN2 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होते हैं, जबकि टर्शरी एल्कोहल जो है SN1 क्रियाविधि द्वारा संपन्न होते हैं। तो हमें ये जो निर्जलीकरण की प्रोसेस है इससे जो है हमें ईथर डाइथाइल ईथर, यहाँ हमने इथेनॉल लिया है जो है प्राइमरी एल्कोहल है, इससे हमें डाइथाइल ईथर जो है प्राप्त हो जाएगा जो है। एक और है इसी में जो है एल्कोहल से सेकंड मेथड है जो है कि जब हम एल्कोहल को एल्यूमिना एल्कोहल की बाष्प को एल्यूमिना के ऊपर प्रवाहित करते हैं तो भी निर्जलीकरण द्वारा जो है हमें ईथर प्राप्त होता है। H2O का अणु निकल जाता है, उसमें जो H2 है वो जो सांद्र H2SO4 है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर जो है ये अलग से दिखाया है जो है, कि इथेनॉल के दो अणु यानी इथाइल एल्कोहल के दो अणु जब हम एल्यूमिना के ऊपर इसको प्रवाहित करते हैं तो हमें ईथर प्राप्त होता है जो डाई इथाइल ईथर प्राप्त होता है। नेक्स्ट यानी सेकंड मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, जब हम प्रयोगशाला में ईथर को बनाते हैं तो इसी विधि द्वारा बनाते हैं।
यानी इसमें क्या करते हैं, हम एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जो है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ करवाते हैं जो है, जिससे हमें जो है सोडियम हैलाइड निकल जाता है। अगर यहाँ हमने बीआर लिया है, इथाइल ब्रोमाइड लिया है, यहाँ पर हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया हुआ है और सोडियम इथॉक्साइड लिया है, तो NaBr निकलेगा जो है और डाईथाइल ईथर जो है प्राप्त होगा। इथाइल इसका है जो है और ये इसका है। यदि हमें डिफरेंट बनाने हैं तो हम जो है यानी मिश्रित ईथर बनाने हैं, तो हम यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड की जगह हम क्या ले सकते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड। तो हमें मिश्रित ईथर यानी इथाइल मिथाइल ईथर जो है प्राप्त हो जाएगा। तीसरा मेथड है जो है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन, एल्कोक्सी मर्क्यूरीकरण व बी मर्क्यूरीकरण, यानी एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन। ये विधि हमने जब एल्कोहल बनाए थे तब भी पढ़ी थी जो है, उसमें मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन पढ़ा था। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं जो है एल्कोहल, तो इसमें क्या है कि जो है वहाँ हमने जो है जल का उपयोग किया था, हम जल की जगह यहाँ पर जो है एल्कोहल का जो है उपयोग करेंगे, जो है एल्कोहल का उपयोग करेंगे जो है, जिससे हमें जो है क्या होगा कि हमें ईथर प्राप्त हो जाएंगे। जल अगर लेते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है, अगर इथेनॉल से अभिक्रिया कराते हैं जो है ऑक्सी मर्क्यूरेशन एंड डी मर्क्यूरेशन, तो हमें जो है ईथर प्राप्त होते हैं। तो जब एल्कोहल की उपस्थिति में एल्किनों की मर्क्यूरिक ट्राई फ्लोरो एसिटेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एक मर्क्यूरिक का लवण बनता है। इस पार्ट को जो है अभिक्रिया के इस पार्ट को हम एल्कोक्सी मर्क्यूरीकरण कहते हैं। जब इस लवण की अभिक्रिया सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 के साथ कराई जाती है तो अपचयन द्वारा अपचयन होता है और ईथर प्राप्त हो जाते हैं। ये दूसरा पार्ट है यानी दूसरे चरण की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, बी मर्क्यूरीकरण या डी मर्क्यूरेशन। यानी ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पार्ट, ये तो कहलाएगा जो है मर्क्यूरेशन जो है, जिसमें हम मर्करी ट्राईफ्लोरो एसिटेट लेते हैं जो है और इथीन और इथेनॉल, तो हमें जो है मर्करी का साल्ट में प्राप्त होता है, और जब इसका सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ अपचयन कराते हैं तो हमें डाईथाइल ईथर जो है प्राप्त होता है और बाई प्रोडक्ट के रूप में ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड और मर्करी प्राप्त होते हैं। चौथी अभिक्रिया है मेथिल ईथर बनाने की, एक उत्तम विधि जो है एल्कोहल के मेथिलीकरण की भी है। तो हम जो है डायजोमीथेन के साथ जब इथेनॉल की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथिल मेथिल ईथर यानी मिक्स ईथर प्राप्त होते हैं। ये भी एक अच्छी विधि है, इसमें एल्कोहल का जो है मेथिलीकरण हो जाता है जो है। नेक्स्ट विधि है जो है एल्किल हैलाइड की शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के द्वारा क्रिया, यानी बाय द एक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड। इसमें क्या होता है कि जब हम एल्काइल हैलाइड की शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें सिल्वर ब्रोमाइड बाय प्रोडक्ट के रूप में और सिल्वर ब्रोमाइड बाय प्रोडक्ट के रूप में और डाईथाइल ईथर जो है प्राप्त होता है। इस विधि के द्वारा जो है हम मिक्स ईथर भी प्राप्त कर सकते हैं जो है, यानी जहां हमने इथाइल ब्रोमाइड लिया है 2 मोल, वहां उसकी जगह 1 मोल इथाइल ब्रोमाइड, 1 मोल इथाइल ब्रोमाइड और 1 मोल जो है मिथाइल ब्रोमाइड लेंगे, तो ये Br निकल जाएगा, ये Br ये सिल्वर के साथ रिएक्ट करके जो है 2AgBr निकल जाएंगे जो है, और हमें एथिल मेथिल ईथर जो है प्राप्त हो जाएगा जो है। लास्ट विधि है जो है निम्नतर हेलोजनीकृत ईथर की ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया। इसमें हम जो है
यहाँ पर आया नहीं है जो है वो थोड़ा सा छप गया है। इसमें क्या करते हैं हम जो है जो निम्नतर ईथर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दें तो Cl, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको जो है कि Cl CH3 O CH3, यानी ये जो एक CH2 आएगा यहाँ पर जो है क्या है कि एक हाइड्रोजन हमने जो है क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस कर दिया है। तो ये व्युत्पन्न जो है हेलोजन व्युत्पन्न जो है ईथर कहलाते हैं। जब इसकी अभिक्रिया किससे CH3MgBr या CH3MgBr के साथ कराते हैं तो क्या होगा कि नहीं वो करो डिलीट क्या हो गया, क्या चला गया आपने, हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं जो है जो अभी मैंने रिएक्शंस लिखी थी आपको जो है कि जो हेलोजन व्युत्पन्न ईथर को जो है जो निम्नतर हेलोजन व्युत्पन्न ईथर है उसकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं तो उच्चतर ईथर जो है प्राप्त होते हैं। इसमें जो है Cl CH2 O CH3, इसकी अभिक्रिया C2H5 Mg Br के साथ कराते हैं तो क्या होता है कि C2H5 और ये हमें ईथर जो है यहाँ से जुड़ जाता है। यानी तो इस तरीके से जो है हमको जो है क्या होता है कि जो हायर ईथर इथाइल मिथाइल ईथर जो है प्राप्त हो जाएगा। पहले क्या था हमारा डाईमिथाइल ईथर था जो है, तो डाईमिथाइल ईथर की जो है हमने हेलोजन उसका जो हाइड्रोजन है उसको हमने इससे व्युत्पन्न करा दिया जो है और उसकी अभिक्रिया जो है C2H5MgBr के साथ कराई जिससे जो है हमें हमारे जो उच्चतर ईथर जो है प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है आज हमने जो है पढ़ा कि जो है ईथर क्या होते हैं और उनके बनाने की जो है ईथर की जो है नोमेनक्लेचर आइसोमेरिंग और उनके बनाने की विधियां। आज के वीडियो में इतना ही कर, धन्यवाद।